हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको CSS का फ्लेक्स बॉक्स बताऊंगा, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बहुत मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जो कि CSS फ्लेक्स बॉक्स बताते हैं, बट उन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए। मैं आपको एग्जाम्पल्स में बना के दिखाऊँगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं, प्लस आप CSS फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके इस कोड को रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैंने यहाँ पे अब इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया है अपना डेवलपर दुनिया वाला, तो आप इस पर क्लिक करके मेरे को यहाँ पर DM कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है। मैं अब कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसका आपका रिप्लाई कर सकूँ। और जो मेरे वीडियोस के जो सोर्स कोड है उसके लिए आप यहाँ पे इंस्टाग्राम के साथ वेब का एक आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट खुल जाएगी जो कि ब्लॉगस्पॉट पे चल रही है। मैंने अब जो नॉर्मल डोमेन वाली वेबसाइट बंद कर दी है वो कुछ रीजन्स के वजह से। तो आप मेरे इस वाली वेबसाइट पर जाकर किसी भी वीडियो का जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टाइटल जो होगा इस पोस्ट का टाइटल और वीडियो का जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका टाइटल मैं ऑलमोस्ट सेम रखता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे ढूंढना आसान हो जाए। यहाँ पे सर्च भी बना हुआ है, आप यहाँ पे सर्च से भी किसी भी वीडियो का जो सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। आप पोस्ट ढूंढेंगे, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप इस पोस्ट पर आ गए, नीचे यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक डाला हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं आप किसी भी सोर्स कोड को। तो मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में जाने से पहले देखिए मैंने ब्राउज़र पे वेबसाइट का जो हमारा जो डायरेक्ट लोकेशन है वो मैंने यहाँ पर क्लिक करके एंटर की। अभी देखिए पूरा ब्लैंक है और ये डेमो है। अब डेमो में मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इमेज गैलरी बनानी सिखाई है तो ये जो आपको देख रहे होंगे ये जो कॉलम्स जो हैं जो ग्रिड्स हैं वो CSS फ्लेक्स से बनाई हैं। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब इंस्पेक्ट करके देखिए यहाँ पे देखिए फ्लेक्स मैंने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। और इसके अंदर फ़ायदा क्या है, और CSS फ्लेक्स का फ़ायदा ये है कि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो उसको अपने हिसाब से मैनेज करना आपको मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिए आपको यहाँ पे 5 कॉलम में दिख रहा है। आप चाहो इसको 5 नहीं इसको 4 में कर सकते हो कन्वर्ट, 4 में नहीं 3 में कर सकते हो। आप चाहो तो इससे जितने ज़्यादा या कम में कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है और ये बहुत लाइट वेट होता है। अब जैसे आपको किसी एक को एक आपको पेज ही बनाना है जिसके अंदर बस गैलरी गैलरी बनेगी आपको, तो उसके लिए आप स्पेशल अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी फाइलें डाउनलोड करके इस पेज के साथ लिंक करनी पड़ेगी, इससे पेज लोडेड हो जाएगा, तो इस चीज़ से भी बचाता है। तो मैं चलता हूँ कोड की तरफ। ये कोड एडिटर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैंने जो डायरेक्टरी ले ली है CSS फ्लेक्स की, इसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस ले ली हैं जो कि मैंने आपको डेमो में दिखा दी हैं। और इंडेक्स पेज ये देखिए आपके सामने है, इसमें अभी बॉयलर प्लेट इसमें बॉयलर कोड लिख दिया है मैंने HTML का। तो पहले मैं HTML लिखूँगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे HTML लिख दिया है। मैंने क्या करा है, पहले मैंने एक मेन डिव ले लिया है जो कि रैपर है, इसकी ID ले ली मैंने मेन कंटेनर। देखिए इसके अंदर सब कुछ मैंने कोड लिखा है मेन कंटेनर। इसके अंदर मैंने एक क्लास ली है फ्लेक्स रो। फ्लेक्स रो मीन्स जैसे हम बूटस्ट्रैप के अंदर रो नाम की क्लास लेते हैं, तो मैंने एक सिमिलर सी क्लास ले ली है जिसमें पता चल जाए कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सी है। तो ये फ्लेक्स रो जो है एक एज अ रो का ही काम करती है। और उसके बाद मैंने एक डिव लिया है जो कि फ्लेक्स कॉलम नाम से है। अब इस कॉलम की जो क्लास है इस क्लास का यूज़ होगा जैसे कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम कॉलम लिखते हैं जैसे कॉल एक्सेल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये उसी का काम करेगी। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिखी है फ्लेक्स रो, तो ज़रूरी नहीं है आपको फ्लेक्स रो ही लिखनी है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए मीन्स जो सिमिलर हो। तो इसी तरह फ्लेक्स कॉलम जो है इसको भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो।
कॉलम, मैंने कॉलम लिख दिए जो कि सिमिलर नेम होते हैं, और इसमें मैंने एक इमेज की एक क्लास ली है और इमेज ले ली मैंने यहाँ पे, उसका सोर्स कोड लिख दिया और कंटेंट, और उसके नीचे जो हेडिंग डालने के लिए मैंने डिटेल नाम की क्लास ली है, उसमें S6 के अंदर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड वन कर दिया है। इसी तरह से बाकी की इमेजेस चेंज कर दिए, मैंने टाइटल अभी सेम रहने दिया। और अब मैं यहाँ पे इसके CSS लिखूँगा, तो CSS तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हेड टैग के अंदर ही लिख दूँगा इनलाइन। आप इसको अलग से CSS की फाइल बनाकर उसको इस पेज के साथ लिंक कर करेंगे तो बेटर होगा। ये देखिए स्टार लगा दिया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी तरह का कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया है, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया है, और फॉन्ट फैमिली मैंने इसमें एरियल दे दी, क्योंकि इसमें कुछ फॉन्ट्स की ज़्यादा यूज़ नहीं है, मेन हमारा यूज़ है CSS फ्लेक्स कैसे यूज़ करना है। और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने देखिए थोड़ा सा ग्रे टाइप का लिख दिया कर दिया है। अब मैं यहाँ पे पेज लोड करता हूँ ब्राउज़र पे, तो देखिए यहाँ पे हमारी इमेजेस आ गई है, उसका एक टाइटल आ गया जो कि बहुत ही छोटा सा आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है, एक तरह का ग्रे टाइप का है। अब मैं कोड एडिटर में चलता हूँ, अब बाकी की CSS लिखूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन कंटेनर, देखिए मेन कंटेनर जो हमारा रैपर है उसकी जो मैक्स विड्थ है मैं 90% करी है, और जो मार्जिन है मैंने टॉप से दिया है और बॉटम से दिया 30 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से ऑटो कर दिया है। इससे क्या होगा, मैक्स विड्थ देने से क्या होगा, जो मैं मैक्स विड्थ और मार्जिन दिया है ऑटो, उससे एक तो विड्थ उसकी 90% तक हो जाएगी मैक्सिमम, और वो ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो जाएगा। मैं देखो रिलोड करूँगा, देखिए अपने आप ऊपर से मार्जिन आ गया और लेफ्ट और राइट से ऑटो हो गया है। अब देखिए मेन यहाँ से शुरू होता है, CSS फ्लेक्स कैसे यूज किया जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे रो क्लास ली थी उसी रो क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। आप जैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, मैं पहले बाकी का कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए फ्लेक्स लिखा तो वो सारा एक रो में आ जाएगा। अब देखिए नीचे स्क्रॉल आ गया, देखिए वो एक लाइन में आ जाएगा जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है बट हम जनरली लिख देते हैं, अगर आप रो इसमें आप रो लिख सकते हैं, रो लिखेंगे तब भी वो एक लाइन में ही रहेगा देखिए। और जब मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूँगा, अब मैंने यहाँ पे कॉलम करा तो अब देखिए जैसे कि ये एक लाइन में आ रहा था हॉरिजॉन्टली, अब ये वर्टिकली एक लाइन में आ जाएगा, देखिए एक के नीचे एक आ जाएगा। तो जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं तब हम इसका जनरली यूज़ करते हैं, और मैं इसको रो कर देता हूँ वापस। और फ्लेक्स रैप का यूज़ क्या होता है, देखिए फ्लेक्स रैप जब मैंने नहीं करा हुआ था, मीन्स मैंने अभी कमेंट करा हुआ है, तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में आ गया, ये मीन्स नीचे स्क्रोल आ गया। जब मैं यहाँ पर फ्लेक्स रैप करूँगा तब देखिए बाई डिफ़ॉल्ट जितनी भी हमारी विड्थ है उस विड्थ के बाद का जो एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखिए ये नेक्स्ट में चला गया, इसका यूज़ ये होता है। अब इसके बाद देखिए ये मैंने लिख दिया फ्लेक्स रो, उस रो के अंदर कॉलम। अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम जिस क्लास को हमने फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करा है उसके अंदर का जो कॉलम होगा उस क्लास को इस क्लास के साथ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है और यहाँ पे लिखना भी ज़रूरी है। अगर आप इसको अगर आप फ्लेक्स कॉलम को इस वाले डिव से बाहर रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, जैसे कि बूटस्ट्रैप में भी नहीं करता कॉलम, वो भी फ्लेक्स को ही यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लास ले ली, उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स 00 ऑटो ये लिखेंगे, ये लिखना कंपलसरी है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको विड्थ मेंशन करनी पड़ेगी। अब विड्थ देने के बहुत सारे तरीके हैं बट जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ उसका तरीका मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि होता क्या है जो हम कॉलम्स लेते हैं हमें कॉलम्स के बीच में मार्जिन देना पड़ता है। अगर हम कॉलम की विड्थ देने के बाद मार्जिन देंगे ना तो होगा क्या, हमारा डिज़ाइन बिगड़ जाएगा और एक्यूरेट नहीं आ पाएगा सब कुछ। तो मैं जनरली क्या करता हूँ विड्थ देने के बाद मैं CSS का एक कैलसी नाम का एक फंक्शन है वो यूज़ करता हूँ। उसमें क्या होता है
कि आप टोटल एरिया डिफाइन करने के बाद आपको किस उसमें से कितना एरिया उसमें से लेस करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे कैलसी लिख दिया, अब मैं अभी जो इस टाइम क्या है ये कमेंट करा हुआ है मैंने ऊपर का, तो नीचे में जो कैलसी नाम का जो फंक्शन है उसमें लिखा हुआ है 20% माइनस 30 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि इस फ्लेक्स रो के अंदर जितने भी फ्लेक्स कॉलम है उसकी विर्थ जो होगी वो हमारे डिवाइस की विर्थ के 20% हो जाएगी और उसमें से 30 पिक्सल लेस हो जाएगा। अब 30 पिक्सल लेस होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। देखिए 30 पिक्सल के बाद अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं आपको इस इमेज पहले जो इमेज है उसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ। अब देखिए 30 पिक्सल करा मैंने, सॉरी मैंने 20 पिक्सल करा और 30 पिक्सल लेस कर दिया। तो अभी देखिए ये डिव के जो बॉक्सेस हैं ऐसे बिल्कुल चिपके हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको उसको मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन देने का क्या सही तरीका है जो कि मैं देता हूँ, मार्जिन आप इसको टॉप से तो 0 देंगे, लेफ्ट और राइट से आपको जितना भी देना है उसका 2 गुना आपको यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर 15 पिक्सल लिखा है जो कि जनरली 15 पिक्सल का इनफ होता है लेफ्ट और राइट से, तो आपको जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आपको 10 पिक्सल लेफ्ट और 10 पिक्सल राइट देना है तो आपको यहाँ पे 20 पिक्सल लेस करना पड़ेगा तभी आपको एक्यूरेट आएगा। अब रीलोड करूँगा, अब देखिए मार्जिन सबका एक्यूरेट आ रहा है और मैंने देखिए यहाँ पे नीचे से बॉटम से मार्जिन दिया हुआ है। बॉटम से मार्जिन देना इस केस के लिए कंपल्सरी है ताकि ये कि नीचे से ही मार्जिन मिलना चाहिए पर्टिकुलर डिप को, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे दिया और लेफ्ट और राइट से जितना दिया है उसका डबल आपको इसमें से लेस करना है। अगर आप चाहते हो देखो अभी एक लाइन में 5 डिप आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो 4 में करना तो मैं पहले यहाँ पे 15 कर देता हूँ क्योंकि मैंने बार बार मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अब आप चाहते हो एक लाइन के अंदर 4 डिव चाहते हो तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा और इस वाले को कमेंट हटा दूंगा। अब आपको इसके लिए वो कुछ नहीं करना कुछ ज़्यादा, आपको 100% में से 100% को 4 में डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा, तो 25% माइनस 30 पिक्सल क्योंकि मैं इसको लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल की गैप देना चाहता हूँ। तो आप बस इतना लिखेंगे और पेज को रीलोड करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 4 में डिवाइड हो गया। और पहले मैं इसकी जो अंदर इमेज है उसको भी मैं कर देता हूँ क्योंकि खाली खाली दिख रहा है, मैं एक हटा देता हूँ और इसकी जो विर्थ है इमेज की विर्थ जो है ना वो 100% कर दूँगा। अब देखिए अच्छा दिख रहा है, समझ आ रहा है। अब ये एक लाइन में 4 आ रहा है और देखिए सभी जगह से एक्यूरेट स्पेस आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक लाइन में 3 करना है तो आप इसको 3 करने के लिए भी सेम आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, 100 का जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 33.33% आएगा, तो मैंने भी वही कर दिया 33.33% और उसमें से 30 पिक्सल लेस कर दिया। अब सेव करूँगा तो देखिए ये 3 में हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पास इस टाइम दो ही डिव हैं या फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आपके 1 डिव कम है, आपने तीन एक लाइन में 3 डिव बनाए और आप चाहते हैं कि जो लास्ट के जो डिव जो हैं जो कि अगर 3 से कम है तो वो सेंटर में हो जाएं, जैसे कि ये 1 2, और आपको इसको सेंटर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर हमारी रो क्लास है इसकी जो कि रो की जो क्लास है इसके साथ आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आप इतना ही लिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली देखिए सेंटर हो जाएगा। आपको कुछ भी ऐसे मार्जिन लेफ्ट से मार्जिन राइट से मार्जिन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और इसका एक ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट वाला डिव लेफ्ट आए और लास्ट वाला डिव राइट में चला जाए उसके लिए भी आपको जस्टिफाई कंटेंट में लिखना पड़ेगा स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करेंगे तो एक नेक्स्ट एक लेफ्ट में चल जाएगा दूसरा राइट में, देखिए ऐसे। और इसमें एक और आता है स्पेस अराउंड,
स्पेस अराउंड पे जब आप लिखेंगे तो देखिए आपको एक्यूरेट स्पेस लेफ्ट और राइट से मिल जाएगा। जितना स्पेस यहाँ पे लेफ्ट में है उतना ही इसके भी राइट में आ जाएगा, ऐसे उसके यहाँ इस सेकंड वाली इमेज के भी लेफ्ट और राइट में एक्यूरेट स्पेस आ जाएगा। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ और मैं पेज को रिलोड कर देता हूँ और इस वाले को भी अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करना बताता हूँ आपको। रिस्पॉन्सिव करने के लिए F12 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करेंगे और मैं इसको राइट में चल कर देता हूँ। जनरली मोबाइल की डिस्प्ले इतनी ही होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मीडिया क्यूरी लिखनी है, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। जैसे मैं यहाँ पे 720 पिक्सल लिख देता हूँ। आपको इस ब्लॉक में आना है और हमने जो ये डिस्प्ले फ्लेक्स ली थी तो यहाँ पे मैं इस क्लास रो के क्लास का नाम लिख देता हूँ और नेक्स्ट वाले की क्लास का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि हम इसी क्लास का यूज़ कर इसी में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर एक टाइम पे केवल एक ही कॉलम नज़र आए, तो अगर आप एक लाइन में एक ही कॉलम चाहते हैं तो आपको रो के लिए, रो की क्लास जो है उसके अंदर फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है, अब यहाँ पे आप कॉलम यूज़ करेंगे मोबाइल के लिए। अब कॉलम पे करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली 1x1 नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और यहाँ पे आके आप नीचे आपने जो यहाँ पे विड्थ दी हुई थी इस विड्थ को यहाँ से पिक करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बस 100 लिखना है। ऊपर का ही कोड आपको नीचे लिख के यहाँ पे विड्थ 100 दे दी और मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा तो देखिए ये मोबाइल फ्रेंडली हो गया। अब आप चाहते हैं कि एक में नहीं मेरे को दो में करना है, तब आपको इस कॉलम की जरूरत नहीं है, तो आपको ये फ्लेक्स डायरेक्शन में जो हमने कॉलम लिखा है, फ्लेक्स डायरेक्शन में जो कॉलम लिखा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, फिर आप इसका ये यूज़लेस है। कॉलम में जाएंगे, विड्थ यहाँ पे जितनी आपको देनी है और आपको इसी तरह से लिखेंगे तो एक्यूरेट स्पेस मिलेगा आपको और अलाइनमेंट भी नहीं बिगड़ेगी। दो चाहिए तो आपको 100 में से 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 50, तो ये 50 पिक्सल लिखेंगे और पेज को रीलोड करेंगे तो देखिए ये दो में डिवाइड हो गया। तीन में करना है तो 33.33 कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप ऐसे चाहते हो कि थोड़ी, अगर टैबलेट की स्क्रीन होती है, मीन्स टैबलेट की स्क्रीन जैसे कि 768 से बड़ी जो स्क्रीन आती है टैबलेट के लिए, उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे मैं एंड वाला कॉपी करके दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेन विड्थ 7, जितनी हमने पहले ली थी 720, तो यहाँ पे उससे एक प्लस कर लेंगे और मैक्सिमम विड्थ जितनी आप चाहो, जैसे 993 पिक्सल। अब इस मिनिमम विड्थ इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी, जैसे कि जनरली टैबलेट होती है, इतनी बड़ी स्क्रीन में हमें एक कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी डिज़ाइन के हिसाब से। बाकी आप डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अगर आपको कॉलम करोगे तो ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम जैसे अगर एक लाइन में दो डिप चाहते हैं 50 पिक्सल करेंगे, सेम यहाँ पे वैसे ही काम करेगा। और हम अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो देखिए जैसे हमने बड़ी स्क्रीन पर फिट करा था वैसे ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर अभी भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका क्यूरी है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम का पेज खुल जाएगा हमारे, यहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।